अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आजकल गर्मियों का सीजन है और सैलेड्स बहुत ही मजेदार लगती हैं गर्मियों में, तो मैं आपके लिए लाई हूँ आज एक बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल सैलेड। और इसके कलर्स देखकर ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी मजेदार और कलरफुल होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 बंच ऑफ लेटस लीफ, 2 मैंगो, 2 ही हमें एवोकाडो चाहिए और 2 ही कुकम्बर चाहिए, 10 से 12 हमें चाहिए चेरी टोमेटो, थोड़े से हम आलमंड्स लेंगे जिनको मैंने रोस्ट कर लिया है थोड़े से ऑयल में और इनको चॉप कर लिया है, 1 छोटी कटोरी हमें चाहिए फ्रेश धनिए की, 1 मीडियम साइज का हमें चाहिए प्याज, और चिकन चाहिए हमें 2 ब्रेस्ट पीस। चिकन के दोनों ब्रेस्ट पीस को मैंने दरमियान में से कट करके इसके दोनों साइडों पे नमक और काली मिर्च लगाई है। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। आपने इसको एक साइड 3 मिनट के लिए पकानी है और दूसरी साइड भी 3 मिनट के लिए पकानी है, और इसमें आपका चिकन गल जाएगा और लाइट गोल्डन सा भी हो जाएगा। तो आइए अब हम इसको तैयार करते हैं। एक बाउल ले लीजिए, थोड़ा बड़े साइज का, जिसमें आपका सलाद बन जाए। अब इसमें हम डालेंगे अपने लेटस लीफ, अब हम इसमें अपने मैंगो डाल लेंगे। आजकल तो सीजन भी है मैंगो का, बहुत मजे के फ्रेश मैंगो आए हुए हैं मीठे मीठे, तो आप ये सैलेड जरूर ट्राई कीजिएगा। एवोकाडो बहुत ही क्रीमी है, एवोकाडो इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब हम डालेंगे खीरा, हर चीज आप अपनी गैदरिंग के हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से डाल सकते हैं, इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमने अपने सैलेड बाउल में डाल लेना है। इस तरह से अब हम इस पर डालेंगे रोस्टेड आलमंड, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए अब हम अपनी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 7 to 8 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, गार्लिक चाहिए हमें बस इतना सा, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ड्रेसिंग हमारी तैयार है। वाह, स्मेल इज सो गुड एंड फ्रेश। अब हम इसे इसके ऊपर डालेंगे। आइए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आइए अब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। चिकन इज सो जूसी,
हर चीज़ परफेक्टली इसमें रच बस गई है, बहुत मज़े की है। हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अमेजिंग है। एवोकाडो इज़ सो क्रीमी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, हर चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।